आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन पे और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है ये हम देखेंगे और साथ ही साथ हम ये पता करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले वेक्टर एडिशन। एडिशन ये तो आपको पता ही है क्या है, जोड़ना होता है। एडिशन ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है दो क्वांटिटीज का मिला जुला जो स्वरूप होता है वो, जिस प्रोसेस से हम उसे पता करते हैं वो। जैसे कि मान ले सिंपल अगर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपके पास दो बॉल्स हैं और साथ ही साथ आपको अगर कोई एक और बॉल देता है तो टोटल कितने बॉल्स हो गए उसे पता करने के लिए हम करते हैं एडिशन। द प्रोसेस इज एडिशन। सो टोटल कितने हो गए, टोटल तीन हो गए, ये तो आपको पता ही है। और अगर कोई स्केलर क्वांटिटी रहता है, हम वैसे तो बात करेंगे वेक्टर एडिशन पे, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज अगर रहता है तो दो स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कि एक बैग में चावल है और इसके अंदर 2 किलोग्राम चावल है, आप क्या करते हैं और एक बैग में चावल लेते हैं, यहां पर जो चावल है ये 3 किलोग्राम चावल है, दोनों को आप एक बड़ा सा ड्रम में रखते हैं। तो जब आप दोनों को यहां से चावल को डालेंगे और यहां से भी डालेंगे तो यहां पर टोटल कितना चावल होगा, ऑब्वियस ही बात है 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम मिलाकर 5 किलोग्राम चावल होगा। चाहे आप इस वाले चावल को इधर से डालें या फिर इधर से डालें या फिर आप इसे ऊपर से डालें या फिर साइड से डालें, डायरेक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन कहां होता है, वो तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही डिफाइंड हो जाता है। So, हम सिंपली भी ये समझ सकते हैं कि 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम चावल एक साथ अगर रखेंगे तो 5 किलोग्राम होगा, 2 + 3 = 5। सो जब स्केलर क्वांटिटीज, दो अलग अलग स्केलर क्वांटिटीज अगर उन्हें एक साथ मिलाया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये अगर हमें पता करना होता है तो सिंपली हम एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं, 2 + 3 = 5। हाँ, मुद्दा यही है कि आप किलोग्राम और के साथ किलोग्राम को ही ऐड कर सकते हैं, दैट मीन दो मासेस को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 किलोग्राम के साथ आप 5 घंटा टाइम को आप ऐड कर सकते हैं, आप ऐड नहीं कर सकते हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को सेम होना होगा। एडिशन का फंडामेंटल रूल ही यही होता है कि जिन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं वो सेम नेचर का होना चाहिए। सो यहां से आगे बढ़ते हैं, तो स्केलर एडिशन में हमने देखा कि ये बड़ा सिंपली हम इसे जोड़ सकते हैं दो क्वांटिटीज को, लेकिन वेक्टर एडिशन इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान ले एक सरफेस है और इस सरफेस में एक ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, ये है वो ब्लॉक। इस ब्लॉक को मान ले आप धकेलेंगे और साथ ही साथ आपका कोई दोस्त भी धकेलेगा, तो ऐसा हो गया ये ब्लॉक, इसे आप दोनों धकेलेंगे, आप और आपका दोस्त। सो यहां से आप इसे धकेल रहे हैं और आपका धकेलने का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, आप इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को धकेल रहे हैं और साथ ही साथ आपका दोस्त आ जाता है, ये भी इसे धकेलता है और आपका दोस्त जो है इसे धकेल रहा है कुछ और ही डायरेक्शन में, तो आपका दोस्त मान ले कि इसे जो धकेल रहा है ये अब कुछ इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो ये वाला फोर्स आप जो लगा रहे हैं, चलिए F1 नाम दे देते हैं इसे, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, और एक फोर्स जो आपका दोस्त लगा रहा है F2 नाम दे देते हैं इसे। तो ये जो ब्लॉक है क्या ये F1 के डायरेक्शन में मूव करेगा या F2 के डायरेक्शन में मूव करेगा, आप खुद सोचे, ये ना तो F1 के डायरेक्शन में और ना ही F2 के डायरेक्शन में मूव करेगा, बल्कि ये बीचों बीच कोई एक पाथ में मूव करेगा, कुछ ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब कि इस ब्लॉक पे हम मान सकते हैं कोई ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में जिसके कारण ब्लॉक में मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं F1 और F2 दोनों फोर्सेस को मिलाने से एक फोर्स हमें मिलता है जो फोर्स की इस डायरेक्शन में होगा, चलिए उस फोर्स को नाम दे देते हैं F। तो ये F आया कहां से, ये F आया इन दोनों को मिलाने से, तो हम यहां से कह सकते हैं F1 और F2 को ऐड करने से F मिलेगा, लेकिन ये जो एडिशन है, ये जो सम हम कर रहे हैं, ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये कुछ स्पेशल एडिशन है, हम आगे देखेंगे क्या है वो। सो अगर F1 और हम F2 को जोड़े
तो हमें मिलेगा f। यहां से देखें कि अगर f1 का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 5 न्यूटन का है और f2 का मैग्नीट्यूड ये 4 यूनिट का है, 4 न्यूटन का है, तो दोनों को मिलाने से 5 न्यूटन और 4 न्यूटन आपको यहां पर 9 न्यूटन नहीं मिलने वाला है, हमेशा नहीं मिलता है, कुछ स्पेशल केसेस में ही ऐसा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए इसी पे बात करेंगे। तो हमें यहां पर समझना होगा कि हम वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। जैसे f1 अगर गिवन हो, f2 अगर गिवन हो, तो f हम कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए हम करते क्या है, दो वेक्टर्स अगर हो यहां पर f1 और f2 अगर है, फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि ये जो है ये f1 है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा f1, और f2 जो है f2 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ना है, दोनों का एडिशन अगर आपको करना है, परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको करना यह होगा कि इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर आप मान ले। तो चलिए मैं इसे पहला और इसे दूसरा वेक्टर मान लेता हूं। आपको करना क्या है कि दूसरे वेक्टर को यहां से शिफ्ट करके, पैरेलली शिफ्ट करके कुछ ऐसे ले जाना है। हम इसे पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो हमने इसे पैरेलली शिफ्ट करके कुछ ऐसे भेज दिया ताकि पहला वेक्टर का जो हेड है, हेड कौन सा होता है, हेड होता है ये वाला पार्ट, एक एरो का ये वाला पार्ट हेड होता है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो वाला पार्ट, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होता है जैसे कि ये उसका टेल है। तो यहां पर पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दें। अब जहां से हमने शुरुआत किया था, पहले वेक्टर से जो हमने शुरुआत किया था, पहले वेक्टर के टेल से जहां से शुरुआत हो रहा है वहां से फाइनल पोजीशन तक, दैट मीन दूसरे वेक्टर के हेड तक जोड़ते हुए एक वेक्टर बनाए, ये होगा इसका रिजल्ट। दैट मीन ये दो वेक्टर्स मिलके आपको एज रिजल्ट ये वाला वेक्टर दे रहा। यहां पर ये जो फोर्स मिल रहा था आपको, रिजल्टेंट फोर्स इसे हम कहते हैं, जो दोनों का रिजल्ट होगा, दोनों को जोड़ने से जो रिजल्ट होगा, इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा और उसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ इतना। तो आप यहां से देख ले, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इसे समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। आप मान ले कि एक चींटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक चींटी यहां पर है, आप सुबह 10 बजे देखते हैं कि चींटी वहां पर है। अब आगे आप ये पाते हैं कि 11 बजे चींटी यहां तक पहुंच जाती है, यहां तक। सो ये आपने देखा 11 बजे, इसका पाथ कुछ भी हो, चलिए इसका पाथ मान लेते हैं ऐसा था, लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट पता करें तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे पता करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, चूंकि ये वेक्टर है तो इसे एरो से हम डिनोट करेंगे। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, तो इसका डायरेक्शन हो गया ये। तो ये हो गया वेक्टर, कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने चींटी को ऑब्जर्व किया 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे तक, तो ये हुआ चींटी का डिस्प्लेसमेंट, भले ही इसका पाथ कुछ भी हो, ऐसा हो चींटी का पाथ कुछ भी हो, पाथ डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब आगे आप फिर से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और आप 12 बजे तक इसे ऑब्जर्व करते हैं, आपने देखा कि चींटी जो है 12 बजे यहां पहुंच जाती है, यहां पर। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 11 से 12 बजे तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अभी टाइम कितना है, अभी टाइम है 12, दोपहर के 12 बजे। तो अगर आपसे पूछा जाए 11 बजे से 12 बजे तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 11 बजे से 12 बजे तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो 11 से 12 बजे तक का डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेके यहां तक कुछ ऐसा। तो यहां ये जो है, ये पिंक कलर का एरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 10 to 11 o'clock, और ये ब्लू कलर का जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू कलर का एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट
from 11 to 12 o'clock. अब अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे इस दौरान पूरे प्रोसेस में चींटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो जैसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया दैट मीन आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था 10 बजे से 11 बजे तो एक इंटरमीडिएट टाइम था, फाइनल टाइम 12 बजे है, 10 बजे से 12 बजे तक आपने ऑब्जर्व किया तो आपने दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखा, आपने देखा ये एक डिस्प्लेसमेंट, आपने देखा ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 10 से 12 बजे तक टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट आप देखें तो आप क्या पाएंगे, चींटी ने शुरुआत यहां से किया था और चींटी ने कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए यहां तक ट्रेवल किया, दैट मीन इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट जो होगा आप ये पाएंगे डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक होगा, आप देख ले ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ये सेकेंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का मिला जुला असर आपको यहां पर दिखा एज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं देखें, पहला वेक्टर जो है उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ रहे हैं और फाइनली रिजल्ट पता करने के लिए इनिशियल पॉइंट से दैट मीन पहले वेक्टर के टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक प्रोपगेट कर रहे हैं। तो शायद इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हुआ कि हम वेक्टर सम जो करते हैं, वेक्टर एडिशन जो करते हैं, उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर पता करते हैं उसका प्रोसेस ये क्यों होता है। अब एक मुद्दा और कि रिजल्टेंट वेक्टर जब हम पता करते हैं तो पहला वेक्टर आप किसी को भी मान सकते हैं, दूसरा वेक्टर आप किसी को भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स, आर्बिट्ररी वेक्टर्स हम कंसिडर करें, एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर आर्बिट्ररी वेक्टर्स, दूसरा वेक्टर ऐसा। अब दोनों का सम आपको करना है, आप इसे भी पहला वेक्टर मान सकते हैं, इसे भी पहला मान सकते हैं, तो मैं पहले इसे पहला वेक्टर मान लेता हूं, तो हम करेंगे वेक्टर सम, चलिए इसे पैरेलली शिफ्ट कर दे तो वेक्टर तो नहीं बदलेगा तो हमने यहां पर इसे शिफ्ट कर दिया। अब पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना होगा, तो दूसरे वेक्टर को हम पैरेलली कुछ ऐसे शिफ्ट करेंगे कि इसके हेड के साथ जुड़ जाए, हम अलग जगह पे कर रहे हैं ताकि पिक्चर थोड़ा क्लियर हो, क्लैरिटी रहे, एक ही जगह पे सब मिल ना जाए। अब रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे पता करते हैं, हमें करना ये होता है कि सिंपली हम यहां से लेके जहां से हमने शुरुआत किया था पहले वेक्टर के टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक हम जोड़ देते हैं। तो ऐसा कब हुआ, जब हमने पहला वेक्टर इसे माना था। अब अगर हम पहला वेक्टर इसे मानेंगे तो क्या होगा, सो चलिए पहला वेक्टर देख लेते हैं, ये अगर होता है तो इसे हमने मान लिया पहला वेक्टर, हम क्या करते हैं अब दूसरे वेक्टर को कॉपी करके ले आएंगे कुछ ऐसे, पैरेलली शिफ्ट करते हुए कुछ ऐसे कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ जाए। और अब हमें करना यह होता है कि जहां से हमने शुरुआत किया था दैट मीन ये पॉइंट जहां पहले वेक्टर का टेल है यहां से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दे, आपको मिलेगा एक वेक्टर। क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर एग्जैक्टली सेम है, आपको दिख भी रहा है सेम है, चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो इसे अगर मैं इसके साथ देख ले वही है, इसी के साथ अगर कंपेयर करूं तो आप पाएंगे एग्जैक्टली सेम वेक्टर है, और साथ ही साथ वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर नहीं बदलता है, दैट मीन ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर्स हैं, चाहे उसका इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो। सो इस तरह से हमने देखा कि दो वेक्टर्स में से किसी को भी हम पहला वेक्टर मान सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए चलिए ये देख लेते हैं कि अगर तीन वेक्टर्स हो उन्हें अगर जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए चलिए ये हो गया पहला वेक्टर मान ले और ये हो गया दूसरा वेक्टर मान ले और साथ ही साथ ये हो गया तीसरा वेक्टर, तीनों एक ही पॉइंट में एक्ट कर सकता है, दैट मीन कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ये यहां पर एक्ट करे, एक ही पॉइंट में एक्ट कर रहा तीनों, लेकिन हम तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, और ये जो है एक्ट कर रहा है यहां पर एक बॉडी पे, ये तीनों एक्ट कर रहा है, वो बॉडी कुछ ऐसा है, वो बॉडी कुछ ये है मान ले। तो अब आपको बताना होगा इस बॉडी पे जो तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक दो और तीन, इन तीनों के कारण जो रिजल्टेंट एक फोर्स बनेगा जिसके डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगा वो डायरेक्शन कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें वेक्टर एडिशन करना होगा, तो वेक्टर एडिशन के लिए हम करते क्या है, इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ना होगा। तो चलिए किसी को भी आप पहला वेक्टर मान सकते हैं, तो हम यहां से पहला वेक्टर
इसे मान लेते हैं, यहां से हमने शुरुआत किया। ध्यान रखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट बेसिकली यहीं पर होगा जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है या फिर तीन वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट वही है। लेकिन हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, समझने के लिए हम इसे शिफ्ट करके यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। एक्ट ये उसी पॉइंट पे हो रहा है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। अब इसके हेड के साथ जोड़ दे इसके टेल को कुछ ऐसे, और फिर उसके हेड के साथ उसी प्रोसेस को प्रोपगेट करें, आगे बढ़ाएं, उसके हेड के साथ फिर अगला वाला वेक्टर का टेल को जोड़ दे। इस तरह से कितने भी वेक्टर रहे आप जोड़ते जाएं, सब का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, जहां से हमने शुरुआत किया था, यहां से हमने शुरुआत किया था, ये पहला वेक्टर था जिसका टेल है ये, यहां से फाइनल वेक्टर के हेड तक आप जोड़ दें। सो ये जो है ये हो जाएगा अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर इन तीनों का। तो हम कह सकते हैं अगर ये वेक्टर ए है, ये जो है दूसरा वाला वेक्टर बी है, और तीसरा वाला अगर वेक्टर सी है, साथ ही साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर वेक्टर आर है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो वेक्टर एडिशन है वो बराबर होगा रिजल्टेंट वेक्टर के। यहां आप ध्यान से देखें कि इसका मैग्नीट्यूड मान ले ये दो यूनिट का है, मान ले ये भी दो यूनिट का है और ये तीन यूनिट का है, तो आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ देख ले, मैग्नीट्यूड के लिए हमें लेंथ देखना पड़ता है, ये 2 + 2 + 3 दैट मीन 7, ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है ना यहां पर, क्योंकि 7 तब होता जब 2 को साथ 2 को ऐसे जोड़ते और उसके साथ 3 को ऐसे जोड़ते, तब ये लेंथ जो है ये 7 होता। लेकिन ये 2 है मान ले, फिर 2 को इधर ले जाएं, फिर 3 को इधर ले जाएं, तो ये जो डिस्टेंस है ये 7 नहीं हो सकता है। सो इस तरह से ये 7 तभी होता, दैट मीन ये वेक्टर एडिशन जो है ये स्केलर रूल या फिर कहें एल्जेब्रिक एडिशन तभी हो सकता है। एल्जेब्रिक एडिशन क्या है कि 2 + 2 + 3 = 7, ये हो गया एल्जेब्रिक एडिशन। सो वेक्टर एडिशन एल्जेब्रिक रूल तभी फॉलो करेगा जब सारे के सारे वेक्टर्स जो है एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें, दो यूनिट का और तीन यूनिट का एक साथ जोड़े, तो आपको यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ये 7 यूनिट का मिलेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस में ही ऐसा होता है कि ये एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है, वरना वेक्टर एडिशन जो है ये एक स्पेशल तरह का एडिशन होता है, इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है जिसपे कि हमने बात किया। अब इसी से आगे बढ़ते हुए अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं। तो मिलेंगे आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।